छतरपुर से सागर जा रही पिकअप गाड़ी में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। अचानक आग लगने पर पिकअप वाहन के ड्राइवर ने आनन फानन में गाड़ी को सड़क पर खड़ा कर दिया और तत्काल गुलगंज थाना पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने बड़ा मलहरा और बिजावर की फायर ब्रिगेड बुलाकर आग पर काबू पाया। ड्राइवर ने बताया कि पिकअप वाहन में टावर का सामान रखा था, जिसको सागर ले जाया जा रहा था, तभी अचानक वाहन में आग लग गई। आग लगने से पिकअप गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। हालांकि ड्राइवर की सूझबूझ से कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। सर, पता ही नहीं चला कैसे आग लगी? जिसका कोई पता नहीं, पता ही नहीं चला। क्या कर रहे थे? गाड़ी खड़ी थी क्या? नहीं नहीं, जा रहा था मैं तो। अच्छा, जा रहे थे। हाँ। चलती गाड़ी में लगी आग? चलती गाड़ी में। अच्छा अच्छा अच्छा। पुलिस आई तत्काल? आपने कॉल किया था पुलिस को? हाँ, पुलिस को कॉल लगा था, मेरा फोन नहीं लगा। फिर भाई साहब को पता नहीं कौन थे, उन्होंने फोन लगाया। अच्छा अच्छा। फिर पुलिस तुरंत आ गई। नहीं, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। मैं तो गाड़ी मतलब समझने का मौका ही नहीं मिला मुझे। अच्छा, गाड़ी में क्या करूँ मैं? लोड क्या है गाड़ी में? गाड़ी के अंदर टावर का सामान है एयरटेल का। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।